टू माई चैनल नीमाज कॉर्नर और मैं हूँ नीमा। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा क्लोविया हॉल। क्लोविया से मैंने बहुत कुछ मंगवाया है और बहुत सारी वीडियोस आपके साथ भी शेयर करी हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक प्लेलिस्ट ही बना दूँ अपने चैनल पर जिसमें कि सिर्फ क्लोविया की वीडियोज़ हों। तो मैं उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। क्लोविया से मैंने ड्रेसेस भी ट्राई करी हैं, नाइट सूट्स भी ट्राई करे हैं। आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ नाइट सूट्स शेयर करने वाली हूँ जो मैंने किसी और के लिए मंगवाए हैं, तो इनका ट्राई ऑन हॉल तो मैं शूट नहीं करूँगी। और हाँ, कई सारी चीज़ें मैंने मंगवाई हैं स्किन केयर और हेयर केयर की, ये आप देख सकते हो बहुत कुछ मैंने मंगवाया है। तो आज का जो मेन हॉल है ना, ये स्किन केयर और हेयर केयर के लिए होने वाला है। अगर मैं बात करूँ तो आप शॉपिंग अगर करते हो 899 रुपीज़ की, तो आपको स्क्रीन पर दिया गया कूपन कोड जो है ना, इसे अप्लाई करके 300 रुपये का फ्लैट ऑफ मिल जाएगा। और क्या चाहिए, तो चलो फिर आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या मंगवाया है। सबसे पहले नाइट सूट्स शेयर करती हूँ। ये बहुत ही क्यूट से लग रहे थे मुझे, तो मैंने मंगवाए हैं। ये तीन नाइट सूट्स मंगवाए हैं मैंने। टी शर्ट और शॉर्ट का सेट है बेसिकली। अगर मैं इसमें प्रिंट की बात करूँ तो इसमें किटन जो होती है ना, किटन बनी हुई है और पिंक कलर है, तो ये फेवरेट है मेरा तो। और मैंने जिसके लिए मंगवाया है उसने ये चूज़ करके मुझे बताया, तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं मंगवा देती हूँ। और इसके साथ आपको शॉर्ट्स मिलते हैं, ये आप देखिए बहुत ही क्यूट है, फैब्रिक बहुत अच्छा है। मैं अगर मेरी बात करूँ तो मैं तो क्लोविया के नाइट सूट्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, घर पर मैं मोस्टली वही पहन के रखती हूँ। तो मुझे ये फैब्रिक वाइज भी बहुत अच्छे लगते हैं, क्वालिटी अमेजिंग है, प्रिंट इनके कहीं भी नहीं जाते और कलर बिल्कुल भी नहीं ब्लीड होता, मतलब बिल्कुल भी नहीं निकलता, श्रिंक भी नहीं होते, तो इससे अच्छा और क्या चाहिए। ये आप देख सकते हो इसमें है बटरफ्लाई प्रिंट, ये आप देख सकते हो बहुत ही ब्यूटीफुल सा है। ये भी शॉर्ट्स के साथ है, ये आप देखिए। अगर मैं इसके फैब्रिक की बात करूँ तो इसमें मेंशन है ये 100% कॉटन ब्लेंड है। मैं आपको दिखा देती हूँ, यस 100% कॉटन है ये, यहाँ पर मेंशन किया गया है 100% कॉटन, तो ये कॉटन के होने वाले हैं, बहुत ही मस्त। ये वाला जो है ये पतले फैब्रिक का है, जो होता है ना कॉटन का पतला वाला फैब्रिक, ये इस तरीके का है। इसमें बहुत सारे गिटार्स बने हुए हैं, ऑरेंज कलर का होने वाला है जो लाइट ऑरेंज होता है। ये भी शॉर्ट्स के साथ आपको मिलता है, ये आप देखिए। ये तो हो गए नाइट सूट्स, अब मैं आपके साथ बाकी प्रोडक्ट शेयर करती हूँ। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ बॉडी वॉश, क्योंकि मुझे बॉडी वॉश का बहुत ज़्यादा चस्का है। सबसे पहला बॉडी वॉश जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये है क्लोविया बोटैनिका मोरिंगा बॉडी वॉश। इसमें है गुडनेस ऑफ मोरिंगा, नीम, एलोवेरा, बेजल, टर्मरिक और प्योर एंड नेचुरल एसेंशियल ऑयल्स। फ्रेग्रेंस इनकी लाजवाब है। इसे आपने यहाँ से प्रेस करना है और ये ओपन हो जाता है, लूफा पर लेना है और रब करना शुरू कर देना है। मतलब इनका वो झाग तो बहुत अच्छा होता ही है, फ्रेग्रेंस लाजवाब होती है, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंस होती है इनकी, बहुत ही मस्त। सेकंड जो है मेरे पास ये है क्लोविया बोटैनिका ब्रिटिश टी रोज़ बॉडी वॉश। इसमें है ग्रीन टी, एलोवेरा, ऑरेंज पील पाउडर, टर्मरिक, बेजल और प्योर एंड नेचुरल एसेंशियल ऑयल्स, बहुत अच्छी है। थर्ड बॉडी वॉश जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये है वेनीला बॉडी वॉश। इसमें है गुडनेस ऑफ वेनीला, पोमग्रेनेट, पपाया, नीम, टर्मरिक, बेजल और प्योर एंड नेचुरल एसेंशियल ऑयल। अगर मैं क्वांटिटी की बात करूँ तो 200 ml की इसकी क्वांटिटी है। आराम से ये 15-20-25 दिन चल जाते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तो आप इन्हें डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। एक बॉडी वॉश मैंने रीपरचेज किया है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, कामिंग बॉडी वॉश। इनकी जो कामिंग रेंज है ना, इसकी जो फ्रेग्रेंस है ना, वो सच में बहुत कामिंग है। मेरे पास इनका बॉडी बटर भी था, बट अब गर्मियाँ आ चुकी हैं तो बॉडी बटर तो मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, इसलिए मैंने सोचा चलो बॉडी वॉश को ही दोबारा से ले लिया जाए। खुशबू इसकी बहुत कामिंग है। अगर मैं इसमें बात करूँ, इसमें है गुडनेस ऑफ एवोकाडो, ऑलिव, जोजोबा ऑयल, एलोवेरा एंड कुकुम्बर, तो आप इन बॉडी वॉश को ट्राई कर सकते हो। इसमें आपको 200 ml की क्वांटिटी मिलती है, इसमें आपको 250 ml की क्वांटिटी मिलती है। बॉटल प्लास्टिक की है, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आराम से आप बाथरूम में इसे रख सकते हो। अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जो मैंने हेयर ऑयल मंगवाए हैं। क्लोविया बोटैनिका के जो हेयर ऑयल हैं ये 100% प्योर हैं, इन्ग्रीडियंट्स में कुछ भी मिलाया नहीं गया है, और ऐसा भी नहीं है कि कोई इन्ग्रीडियंट्स बताया कोई नहीं बताया, इंग्रेडिएंट्स में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। सिर्फ अगर मैं एक ऑयल दिखा रही हूँ तो उसमें 100% प्योर वही ऑयल है, कुछ भी उसमें ऐड नहीं किया गया। तो अगर आप 100% प्योर ऑयल ट्राई करना चाहते हो तो आप क्लोविया बोटैनिका के ऑयल्स को ट्राई कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल। ये आपके ना सिर्फ आपके बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, ये आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। सभी ऑयल जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, उसमें आपको बेनिफिट्स दिखा दूँगी कि कैसे आपने इसे अपनी स्किन के लिए यूज़ करना है, कैसे अपने अपने बालों के लिए यूज़ करना है। ये है क्लोविया का एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल। इनके जो ऑयल हैं ये ग्लास बॉटल में आते हैं, तो थोड़ा सा यूज़ करते वक्त ना
मैं तो बाउल में निकाल लेती हूँ, अदरवाइज स्लिप होने के चांसेस रहते हैं। बट हाँ, जो ऑयल वगैरह होता है ना, ये हमेशा ज़्यादा अच्छे रहते हैं ग्लास बॉटल में बजाय कि प्लास्टिक बॉटल से। तो आप इन्हें ट्राई कर सकते हो। और पम्प बॉटल में आते हैं तो यूज़ करना बेहद आसान हो जाता है। अगर मैं इंग्रेडिएंट की बात करूँ तो ये 100% प्योर कोल्ड प्रेस्ड एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल है। तो आप इसे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट ऑयल जो मैंने मंगवाया है ये है जोजोबा ऑयल। देखो, हेयर ऑयल तो हमारे घर में सभी लगाते हैं। स्पेशली मैंने जो कुछ ऑयल हैं ये दिशा के लिए मंगवाए हैं, जो कि मैं उसके लिए यूज़ करती हूँ, जैसे कि ये एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल और आमंड ऑयल। आमंड ऑयल से तो मैं बॉडी मसाज करती हूँ अपने बच्चों की, तो मैंने ये उसके लिए मंगवाया है। नेक्स्ट है ये जोजोबा ऑयल। ये भी आपके बालों के लिए और आपके स्किन दोनों के लिए बहुत ही यूज़फुल है। 100% प्योर एंड नेचुरल जोजोबा ऑयल होने वाला है ये। आवाज़ आप सुन सकते हो। तो ये ग्लास बॉटल में आता है तो मैं तो हमेशा एक छोटे बाउल में निकाल लेती हूँ, कटोरी में निकाल लेती हूँ तेल, और फिर यूज़ करती हूँ ताकि गिरने विरने का या बोतल फूटने का चांस ना रहे। नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये है स्वीट आमंड ऑयल, बादाम का तेल। ये ना सिर्फ आपकी स्किन के लिए, आप क्या कहते हैं, मालिश करने के लिए बच्चों की या अपनी मालिश करने के लिए अच्छा है, बल्कि आपके बालों के लिए तो अच्छा होता ही है। ये आपके फ्रिजी बालों को सॉफ्ट बनाने में हेल्प करता है। तो आप इसे भी ट्राई कर सकते हो। मेरे घर में तो भाई सभी ऑयल यूज़ करते हैं, तो मैं तो बहुत सारे ऑयल मंगवा रखे हैं सबकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। 100% प्योर एंड नेचुरल स्वीट आमंड ऑयल होने वाला है ये। आपको हर ऑयल की 2 साल की शेल्फ लाइफ मिलती है। इसके MRP की अगर मैं बात करूँ तो MRP इसका 499 रुपीज़ है, बट जैसा कि मैंने आपको बताया 899 की शॉपिंग पे आपको 300 रुपये का डिस्काउंट मिल जाता है मेरे कूपन कोड अप्लाई करके। और बाकी ऑफर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी, ट्राई ज़रूर कर लेना इनको। लास्ट ऑयल जो मेरे पास है ये है मोरक्कन आर्गन हेयर ऑयल। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा फ्रिजी हैं, ड्राई और डैमेज्ड हैं, तो ये एक सिंगल ऑयल भी अगर आप लगाते हो ना, तो आपके बाल फ्रिजी जो है ना वो ख़त्म हो सकते हैं, फ्रिजीनेस जो है वो ख़त्म हो सकते हैं, और बाल बहुत ही सिल्की सॉफ्ट बन सकते हैं। इसके अगर मैं प्राइस की बात करूँ, ये 499 रुपीज़ का है, 2 साल की आपको शेल्फ लाइफ इसकी मिलती है। कोल्ड प्रेस्ड 100% प्योर आर्गन ऑयल होने वाला है ये। एक ऑयल जो लास्ट है मेरा फेवरेट, ये है कैस्टर ऑयल। ये मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ। इसे तो आप किसी भी ऑयल में ऐड कर लो, कोई भी लगा रहा है ना उसके ऑयल में, जो भी ऑयल वो लगाते हैं उसमें ऐड कर दो। इससे हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये भी 100% प्योर कैस्टर ऑयल है और बहुत सही है। मैं आपको इसे दिखाती हूँ ओपन करके। ये भी आता है ग्लास बॉटल में, ये आप देख सकते हो डार्क कलर की ग्लास बॉटल में ये आता है। काफ़ी अफोर्डेबल होता है ये कैस्टर ऑयल, में मेरे हिसाब से सबसे सस्ता ऑयल यही होता है। 299 रुपीज़ इसका MRP है और आपको 2 साल की इसकी भी शेल्फ लाइफ मिल जाती है। अगर मैं बात करूँ अपने फेशियल सीरम की, तो मैंने 2 फेशियल सीरम मंगवाए हैं। एक तो मेरा फेवरेट है विटामिन सी, गर्मियों के लिए मुझे इनका विटामिन सी सीरम बहुत अच्छा लगता है। मेरी 2 बॉटल्स उसकी ख़त्म हो चुकी है, ये मैंने तीसरी परचेज़ करी है। और मुझे ये इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि ये वाटर बेस्ड सीरम है। मतलब गर्मियों में ऑयल बेस्ड सीरम लगा लेती हूँ ना मैं, तो वो बहुत ज़्यादा मेरे फेस पे पिंपल्स एक्ने वगैरह की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। इससे आपको ना इंस्टेंट ग्लो भी फील होता है और आपकी स्किन हाइड्रेटेड भी रहती है, क्योंकि इसमें हेलोरॉनिक एसिड भी है। इसमें है गुडनेस ऑफ हेलोरॉनिक एसिड और एलोवेरा। ये आपकी स्किन को ब्राइटन अप करता है और नरिश करता है और बहुत ही अच्छा है। और क्योंकि ये विटामिन सी सीरम है तो ये आपके चेहरे पे ना आपकी जो एज दिखने लग गई है उसे भी थोड़ा डिले कर देता है। सेकंड सीरम जो मैंने मंगवाया है नेक्स्ट, ये है 24 कैरेट प्योर गोल्ड फेशियल ऑयल सीरम। मुझे अभी ट्रैवल करना है ऐसी जगह में जहाँ पर सर्दी हो रही है अभी, तो मैंने वहाँ के लिए मंगवाए ऑयल बेस्ड सीरम बेसिकली, ताकि मेरी स्किन अगर ड्राई हो जाती है ना तो मैं इसे यूज़ कर सकूँ। वैसे ये अभी दिल्ली में गर्मियों में तो यूज़ करने लायक नहीं है, बट हाँ अगर आप भरी सर्दी में रहते हो या फिर आपकी स्किन ही बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप इसे ट्राई कर सकते हो। बहुत ज़्यादा भर के आपने इसे कभी भी यूज़ नहीं करना है, आपने सिर्फ 2 बूंद लेनी है, अपने हाथों पर रगड़ना है और बस इस तरीके से पुश करना शुरू कर देना है, बस। ज़्यादा भर के लगाने की ज़रूरत नहीं होती जो भी ऑयल बेस्ड सीरम होते हैं उनको। और आप बिलीव नहीं करोगे, मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने 2 मंगवाए हैं विटामिन सी सीरम, मुझे ये इतने ज़्यादा पसंद हैं और ये मैंने अभी 2 मंगवाए हैं और बहुत सही काम करते हैं ये, बहुत मस्त। ये आप देख सकते हो बहुत ही मस्त काम करते हैं। आपके साथ शेयर कर रही हूँ रोज़ वाटर, ये आप देख सकते हो मैंने 2 मंगवाए हैं, एक मैंने अभी ओपन कर लिया है, दूसरा मैंने अभी ओपन भी नहीं किया है। 100% प्योर स्टीम फॉर्मूले से बना हुआ है ये, मतलब
जो होती है ना, एक तो होता है कि भाई पानी में सिर्फ गुलाब को बॉईल कर दिया जाता है, ये उसकी भाप से बना है, मतलब इससे ज़्यादा प्योर रोज़ वाटर आपको नहीं मिल सकता है। और ये 100% प्योर, ऐसा नहीं है कि पानी में थोड़ा सा रोज़ वाटर मिला दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इसे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। रोज़ वाटर जो स्प्रे के साथ आता है ना, ये इस तरीके के स्प्रे के साथ आता है, तो मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मैं इसे डायरेक्टली अपने फेस पर स्प्रे कर सकती हूँ। ये मेरे फ्रिज में जाएगा सीधे, ताकि मैं किचन में जब भी काम कर रही हूँ, थोड़ा सा भी डल और टायर्डनेस लगती है, तो फटाफट से स्प्रे कर लो। हाँ, ये भी कांच की बोतल में आता है। इसके साथ मुझे बस यही प्रॉब्लम है कि ये भी ग्लास बोतल में आता है, बट हाँ, आपको अगर ग्लास बोतल से प्रॉब्लम है तो आप किसी भी प्लास्टिक बोतल में इसे शिफ्ट कर सकते हो। इसकी जो फ्रेग्रेंस है ना, ये आपको इंस्टेंटली रिफ्रेश कर सकती है। और इसका जो स्प्रे है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये ना बिल्कुल भी आपके फेस पे ना हार्श नहीं आता है, बहुत ही सॉफ्ट आता है। तो आप सोच सकते हो मुझे कितना पसंद होगा कि मैंने दो मंगवाए आप इन्हें डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरे एसेंशियल ऑयल्स जो मैंने मंगवाए हैं। एसेंशियल ऑयल्स ना सिर्फ मैं अपने हेयर ऑयल में मिक्स करके लगाती हूँ, बल्कि मुझे इनकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी लगती है। तो जब भी सर दर्द हो रहा है या थोड़ा सा भी लो फील कर रही हूँ ना मैं, तो मैं इन्हें अपने डिफ्यूज़र में ऐड करके इन्हें खुशबू लेने के लिए यूज़ करती हूँ। मतलब पूरा रूम को ये महका देते हैं। सबसे पहला है मेरा फेवरेट लेवेंडर एसेंशियल ऑयल। ये मैं अपने हेयर ऑयल में तो ऐड करती हूँ जब भी सर दर्द हो रहा है, तो आपके ये दिमाग को भी शांत कर देता है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। बिलीव मी, अगर आपने अभी तक एसेंशियल ऑयल्स को ट्राई नहीं किया ना, तो ये चार आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। ट्राइड एंड टेस्टेड हैं ये। सबसे पहला तो है लेवेंडर एसेंशियल ऑयल। सिर्फ 10 ml की क्वांटिटी आपको मिलती है, आपने इसे पूरा भर के नहीं लगाना है। अगर आप अपने ऑयल में ऐड कर रहे हो तो भी 4 से 5 बूंद ही इसे आपने ऐड करना होता है। अगर आप अपने डिफ्यूज़र में ऐड कर रहे हो, मतलब इसको खुशबू के लिए ऐड कर रहे हो, तो भी आपने 2 से 3 ड्रॉप ही इसकी ऐड करना होता है। यूज़ करना बेहद आसान होता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा डेंड्रफ की प्रॉब्लम है, फ्लेकी स्किन की प्रॉब्लम है, तो आप लेमन ग्रास एसेंशियल ऑयल को यूज़ कर सकते हो। अपना जो भी आप हेयर ऑयल लगाते हो ना, उसमें 4-5 ड्रॉप इसकी डाल लो बस। और अगर आप इसे एरोमेटिक फ्रेग्रेंस के लिए यूज़ कर रहे हो, तो भाई साहब गज़ब, आपके दिमाग को ये मस्त शांत कर सकता है। इसकी खुशबू इतनी अच्छी, सिट्रस खुशबू होती है ना जो, वो बहुत अच्छी लगती है। नेक्स्ट है मेरे पास रोजमेरी एसेंशियल ऑयल। रोजमेरी एसेंशियल ऑयल आपकी हेयर ग्रोथ को बहुत अच्छे से प्रमोट करता है। ये मैं दिशा के बालों में लगाती हूँ। जब भी मैं हेयर ऑयल लगाती हूँ, कोकोनट ऑयल, आमंड ऑयल मिक्स करके, उसमें मैं 3 से 4 ड्रॉप इसकी डालती हूँ, और उसके बालों की हेयर ग्रोथ के लिए वो बहुत अच्छा है। मैं अपने लिए भी यूज़ करती हूँ, बट मुझे इसकी खुशबू ज़्यादा अच्छी लगती है। नेक्स्ट है मेरे पास टी ट्री एसेंशियल ऑयल। ये आपके बालों में किसी भी तरीके के फंगल इन्फेक्शन हो गया है या हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, बालों के लिए तो ये बहुत अच्छा है ही, बल्कि ये आपकी खुशबू जो है ना इसकी, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। आपने कई बार ट्राई किया होगा, देखा होगा कि जब भी हम स्पा जाते हैं, वहाँ पे बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही होती है, जो आपके दिमाग को रिलैक्स कर देती है। मतलब बॉडी रिलैक्स तो होती ही है, वहाँ जाके दिमाग भी रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि वो इस तरीके के ना एसेंशियल ऑयल्स को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट मैंने मंगवाया है रोजमेरी एसेंशियल ऑयल ही, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, तो मैंने ये 2 मंगवा रखे हैं, ये आप देख सकते हो। नेक्स्ट जो है ये है क्लोव, मतलब ये लौंग का तेल है। इसे भी मैं यूज़ करती हूँ इसकी खुशबू के लिए। इसकी फ्रेग्रेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, और ये आपके बालों के लिए और आपकी स्किन दोनों के लिए ही बहुत अच्छा होता है। तो आपको इनमें से सबसे अच्छा प्रोडक्ट कौन सा लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। इनमें से आपने कुछ यूज़ किया है तो वो भी मुझे कमेंट करके बताना कि आपका एक्सपीरियंस क्लोविया के साथ कैसा रहा। मेरा तो हमेशा ही बहुत अच्छा रहता है। आई होप अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करोगे, मेरा स्क्रीन पर दिया गया कूपन कोड ज़रूर अप्लाई कर लेना, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, और क्या चाहिए। थैंक यू, Thanks for watching. Bye.